चौरासी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी, जो कुलाधिपति भी है उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की, श्री गिरधर ज्ञानी जी जो महानिदेशक है एसोसिएट हेल्थ केयर, प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी जी कुलपति साहब, चांसलर साहेब श्री मोहसिन अली खान साहब, श्री मीसम अली खान प्रो चांसलर जी, प्रोफेसर फरजाना मेहदी प्रो वाइस चांसलर, इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, विश्वविद्यालय के ईसी के मेंबर्स, सभी गणमान्य उपस्थित महानुभाव, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद तहे दिल से देना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट को। उनका पहला कन्वर्सेशन है ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है और मील का पत्थर स्वर्ण पदक या सिल्वर मेडल लेकर किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बच्चों, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आगे शिक्षा का कोई अंत नहीं, लेकिन आगे भी चल सकती है, एक मुकाम पर पहुंच गए आप। इसके आगे आज दीक्षांत भी हो गया, दीक्षा ले लिया। शिक्षा क्यों परफेक्ट व्यक्ति बनाना है, यदि पूर्ण शिक्षक बनना है तो शिक्षा चाहिए, पूर्ण सिपाही बनना है तो भी शिक्षा चाहिए, बड़ा कोई अचीवमेंट प्राप्त करना है तो शिक्षा चाहिए। इसलिए शिक्षा, और शिक्षा फिर कैसी हो, सिर्फ शिक्षा शिक्षित करने के लिए हो या संस्कार करने के लिए भी हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने, स्वामी जी मानव जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है संस्कार, तो स्वामी जी कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, संस्कार भी शिक्षा जरूरी है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ इस देश के अंदर, यद्यपि उसने अपने देश के लिहाज से सही किया होगा, मैकाले ने, उसकी वो देशभक्ति रही होगी जो हमारे लिए विपरीत थी, उसने जो यह शिक्षा पद्धति दी, और यदि एक सेंटेंस में बताया जो उसके पिता का जवाब दिया था, जब उसके पिता ने पूछा कि क्या करके आए हो हिंदुस्तान के अंदर, तो बोला ये ऐसी शिक्षा पद्धति लेके आ रहा हूं जिससे काले अंग्रेज पैदा हो। उसके लिहाज से वो सही हो सकती है, उसकी देशभक्ति की पराकाष्ठा हो सकती है, लेकिन हमारे मूल चिटी पर चोट, हमारी प्रकृति पर चोट थी, हमारे संस्कारों को ध्वस्त करने वाली शिक्षा नहीं, उसके बदलाव की जरूरत थी। शिक्षा को सिर्फ रोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। एजुकेशन जिस देश में मिशन हो उसे प्रोफेशन बना दिया। अभी मेडिकल की बात कर रहे थे गिरधर साहब, मेडिकल भी मिशन है प्रोफेशन नहीं, लेकिन उसे भी प्रोफेशन बनाकर छोड़ दिया गया। ये सब इसलिए हुआ कि शिक्षा का मूल जो इस देश की स्थिति थी उससे कट गया। हमारे
बहुत दिनों से मांग होती रही थी। चिंतक इस देश के सोचते थे कि बदलाव होना चाहिए, बस नारे लगते थे कि बदलाव होना चाहिए, और करने वाले हुक्मरान जो बैठे होते थे वो कहते थे करेंगे। सोचा किसी ने नहीं, लेकिन साधुवाद अपने नेता को देना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एनईपी 2020 लागू की। और किस समय जबकि कोरोना काल जैसा संकट काल पूरा विश्व संकट से जूझ रहा था, उस समय उन्होंने शिक्षा की ओर कितना ध्यान दिया, चिकित्सा की ओर दिया, वो सब जानते हैं। पूरे विश्व की अगुवाई की हमारे नेता ने कोरोना काल में, उन्होंने सिद्ध किया अपने कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मास्टर है, तो वो हमारा नेता मोदी है। और दूसरी दौरान शिक्षा की नई नीति दी, उस नीति में उसका विवरण करेंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन मूल विषय जो है उसके कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से, इस मूल बिंदुओं की परिधि में जितने भी काम योजनाएं बनती है, जितने कार्यक्रम बनते हैं शिक्षा के, आज इस मूल बिंदु पर चल रहे हैं। ये हमारे नेता के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठा, परसेप्शन बदला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का। अभी मेडिकल के बारे में बता रहे थे गिरधर साहब, लेकिन आप सब महसूस कर रहे होंगे जब से महामारी का मार्गदर्शन मिला है हम सबको, इस प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय था जो एक उसमें था ग्रेड में, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन दिया, एक दिशा दी एनबी के दायरे में कैसे हम शिक्षा के स्तर को पाए। और साधुवाद है इनका, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग ऋणी रहेगा इनका, आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय और एक मेडिकल विश्वविद्यालय, यानी 4 विश्वविद्यालय A++ एनआईटी के लिए हो, 5 विश्वविद्यालय A++ है, एक दिशा देने वाला नेतृत्व होना चाहिए। अभी बच्चों को आप देख रहे हैं, आंगनवाड़ियों को जो दिया जा रहा था छोटे छोटे बच्चों पर, यानी समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता, यह कार्यक्रम भी महामारियों की देन है। यूनिवर्सिटीज को कहना कि इसको एक छोटी सी बच्ची कैसी मुस्कुराई थी और बतिया रही थी महामारियों से, उसमें मुझे शायद दो पंक्तियां याद आ गई, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया गया। यह भी खुदा की बात है, यह ईश्वरीय कार्य है, और उसकी प्रेरणा कहां से मिली हम सबको, आपको भी मिली महामहिम के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन। यह बदलाव है नेतृत्व के कारण, जब नेतृत्व बदलता है और सकारात्मक सोच देता है तो बदलाव होता है। अभी शायद आप मुझे दिखा रहे थे वो ना, आप ही थे ना, नाम नहीं मालूम लेकिन काम याद रहेगा आपका, किस तरीके से एक एक बेड एक एक मरीज को, मेरा डिपार्टमेंट है जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मैंने उसको ग्रस्त कर लिया है इनसे, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, या टेक्नोलॉजी से जोड़कर कहीं भी बैठे हो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स, वहां से एक एक मरीज के बारे में जान सकते हैं कि क्या उसके चेहरे का मास्क तो नहीं उतर गया, अगर उनका सबॉर्डिनेट गलत सूचना दे रहा है तो कह रहा नहीं तुम गलत सूचना दे रहे हो, दिखा रहे हो सीनियर, एक एक मरीज के बारे में, एक एक उसके पल पल के पल्पिटेशन के बारे में, तकनीक से जोड़ना जो शिक्षा को हमारे नेता ने किया है, उससे गवर्नेंस अच्छी होगी, जब गवर्नेंस अच्छी होगी तो निश्चित नाम भी होगा, प्रदेश भी बढ़ रहा है,
देश भी बढ़ रहा है, तो हमें शिक्षा का उद्देश्य समझना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए इस देश के प्रति हमारी पहली नजर। आप सब लोग यहां के शिक्षकों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि पढ़ाते हैं हम सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, लेकिन इससे अलग हटकर भी प्रसार जैसे अलग अकेला लोगों को सोचा। हम बताएं कि हमारा देश क्या है, हमें क्या करना चाहिए उस देश के लिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखा है। आपने जो दिया है यहां पर, जो मैं सुन रहा था इस एलआई यूनिवर्सिटी के बारे में, यह भी एक राष्ट्र की सेवा है, इस देश की सेवा। अच्छी पढ़ाई ने हमें पढ़ने पढ़ाने के लिए समाज ने मौका दिया है, तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई दें। अगर चिकित्सा का मौका दिया तो अच्छी से अच्छी दवाई दें। यही राष्ट्र की सेवा, यही राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति वो नहीं है कि हम फौज पर जाकर बॉर्डर पर लड़े। हमें राष्ट्रभक्ति कब पैदा होती है हमारे लोग, जब सीमा पर कहीं युद्ध हो रहा होता है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था। जो नहीं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता, यही राष्ट्रभक्ति है। समाज ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, या समाज से जो हमने जिम्मेदारी ली है, हम उसको सही ईमानदारी से पालन करें, यही देशभक्ति की दो लाइन की परिभाषा है जो हमको सीखनी चाहिए। और ये हमको हमारे टीचर से कहेंगे, शिक्षा से कहेंगे। अलग हटके शिक्षक होती है, शिक्षक सिखाता है तब गुरु बनता है। शिक्षक तो सभी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये संस्कृत साहित्य की इन तीनों को ही गुरु माना है। किसी ने ताऊ गुरुदेव भव नहीं बताया, चाचा को गुरु नहीं बताया, भाई को गुरु नहीं बताया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। क्योंकि संस्कार माता पिता से मिलते हैं और बच्चे को गुरु से मिलते हैं। इसलिए आप सब शिक्षक हैं, यहां से मैं तो अनुरोध करूंगा आपसे कि जो रेगुलर शिक्षा है वो तो दे, लेकिन राष्ट्र के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वो शिक्षा भी दें। हमारे मानव संवेदना है जो मानव जीवन की, वो हमारे जिंदा रहे, प्रोफेशनल्स ना बन जाए पूरे पूरे वो दें। क्योंकि जब तक मानवीय संवेदना किसी से नहीं जुड़ेंगी, वो कोई भी कार्य होगा, कोई भी क्षेत्र होगा, वह ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा, फिर बेमानी होगी उस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र क्यों ना हो। मानवीय संवेदना मेरे नेता के अंदर है, इसीलिए उसने उस अंतिम छोर पर बैठे हुए महिला तक के बारे में सोचा, कैसे शौच के लिए जाती होगी वो, कैसे वो धुएं में एक अपनी खाना पकाती होगी, कैसे फेफड़े जलाती होगी, कैसे आगे बढ़ती होगी। मानवीय संवेदना है, तो किसी और में से पहले क्यों नहीं सोचा। तो हर क्षेत्र में यह जागृत करना शिक्षक का काम है कि मानवीय संवेदना भी छात्रों के आने वाली पीढ़ी के अंदर पैदा हो। मुझे याद है हमारे तीसरे कक्षा में जगन्नाथ पंडित जी पढ़ाते थे, कई शिक्षकों ने पढ़ाया, वही क्यों याद है, क्योंकि उस पढ़ाई के अलावा हमको हर हफ्ते एक ही कहानियां सुनाया करते थे। गुरु भक्त बालक कौन थे, मातृभक्त बालक कौन थे, राष्ट्रभक्त बालक कौन थे, पितृभक्त बालक कौन थे, उनके किससे कहानी सुनाते थे, वो हमारे पूरे कागज पे लिख कर देते। उस संवेदना जागृत की हो पढ़ाई के साथ, ये संवेदना भी जागृत करना शिक्षा का काम है। तो दवाई और पढ़ाई दोनों से जुड़े हुए हैं, जो मानव जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है, चिकित्सा शिक्षा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है और आप उसे निभा भी रहे हैं। जैसा मैंने शोहरत सुनी है, जब आप आए थे मेरे पास, उसके बाद मैंने पता किया था कि क्या है मामला, तो उससे
पहले नाम नहीं सुना था आपका कभी भाई दर जो भाग था मेरा, लेकिन जब पता किया तो मालूम पड़ा कि हाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने। तो शुभकामनाओं के साथ इस और आप बढ़े हैं उसको और आगे बढ़ाए, इस देश की सेवा करें, बच्चों की वो शिक्षा दें, संस्कार भी दें, शिक्षा भी दें। धन्यवाद। I now request our Chief Guest, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandi Ben Patel ji.